और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आई होप्स भी बढ़िया होंगे। और अगर तुम बढ़िया बढ़िया नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, इस गेम प्ले में चले तब भाई और खतरनाक इतना ट्रिक यूज करने बंदों को मारा है। अब ट्रिक में भी मतलब तुम मान लो जो ये नई मतलब बजूड़ी आई है भाई उसको लेकर, और सही में गाइस मेरा फेवरेट बन चुका है जो वॉल वाला होता है ना, मतलब नाम तो मेरे को ढंग से देखो याद व्याद है नहीं, तो तुम बस मेरी भावना है समझो। फिलहाल गाइस वो सब देख के आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले गाइस मैं कूदा यहाँ पे और मेरे को छूटते गन मिल जाती है और सामने वाली बिल्डिंग में बंदा इस पड़ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस वो थोड़ा कवर में चला आता है। और इतने में गाइस मेरे को लेफ्ट साइड से हल्के हल्के फुट साउंड है कि कोई बंदा मेरी तरफ क्लोज इन कर रहा है, तो मैंने फटाफट यहाँ पे एंट्री ली। मैं कहा उस वाले बंदे को बाद में देखेंगे, पहले जो पास वाला बंदा उसे निपटाते हैं। और इतने में भाई साहब बंदे के पास M4 है, मेरे पास 22 है, तो यहाँ पे थोड़ा सख्तियों का प्रयोग करा जाए। और गाइस यहाँ पे शक्तियों का उपयोग करते हुए हमने इस बंदे को भर दिया, लेकिन भाई साहब इतने में जो उसका टीममेट भी क्लोज इन कर जाता है। अब मेरे पास इतनी अच्छी गन नहीं है कि मैं इसे लेके पुश कर दूँ कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को कॉल दे दिया। लेकिन इतने में गाइस ये जो नॉक वाला बंदा नीचे चला आता है, तो मुझे लगा ये रिवाइव ना हो जाए, तो मैंने फटाफट इसकी तरफ क्लोज इन करा। एंड तुम देखो ये भाई साहब यहाँ पे दूसरा बंदा भी नॉक, मैंने फटाफट से फिनिश करा। अब मेरे को एक बंदे के और फुट साउंड आए, लेकिन गाइस पता नहीं वो बंदा कहाँ गया। फिलहाल ये मैंने फटाफट इससे M4 उठाई और उसके बाद ये तुरंत ही आगे तरफ पुश कर दिया, बिकॉज घातक बोलता है कि इसकी बगल वाली बिल्डिंग में एक बंदा है। अब यार यहाँ पे देखो मैंने पावर ऑन करी और ये तुरंत ही आगे बढ़ा, लेकिन गई जैसे इस तरह बातों मेरे को दो फुट साउंड आया, एक लेफ्ट वाली बिल्डिंग से आया और एक राइट वाली बिल्डिंग से आया। तो फिलहाल किस लेफ्ट वाली बिल्डिंग में घातक था, तो मैं जो राइट वाली बिल्डिंग में आ गया, मुझे लगा ऐसे लेफ्ट वाली बिल्डिंग में बंदा कैंप कर रहा होगा और इस वाली बिल्डिंग में जो सेफ है पुश करना, बिकॉज यहाँ पे इतना खतरनाक कैंप नहीं होता है। फिलहाल जैसे यहाँ पे आता हूँ गई देखो ऊपर मुझे बंदा है पता है, लेकिन यहाँ पे जो नेट वगैरह मेरे पास है नहीं, तो मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश करी, लेकिन भाई साहब जैसे इस तरह पाता हूँ भाई साहब ये कितने प्यार से खड़ा है। फिलहाल यार यहाँ पे इफेक्ट दिखाते हुए बड़े पास इस बंदे को नॉक करा और लगे फिनिश भी कर दिया, लेकिन भाई साहब यहाँ पे अब जो है खतरनाक भगदड़ मचने वाली है, बिकॉज जैसे यहाँ पे बैठा हूँ मेरे को राइट साइड जाएगा कुछ फायरिंग साउंड। अगर ये तो बॉट था, पर भाई साहब इतने में एक बंदा जो है मेरी ही बिल्डिंग में पुश करता है। अब देखो बंदे के फुट साउंड मेरे को आ चुके हैं, धीरे धीरे बंदा मेरी बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन पता नहीं तेरे जोश में कैसे। और भाई सही में ग्लेशियर वाला इफेक्ट तो बहुत ओपी है। अब यार सामने वाले बंदे को मैंने इतना गंदा प्री फायर दिया कि वो ना चाहते हुए भी उस प्री फायर में आ ही गया, और आखिरी गोली जो इसके हेड पे कनेक्ट हुई बड़े प्यार से वो बंदा नॉक, मैंने तुरंत ही ऊपर की तरफ पुश करा। और भाई साहब लगा जैसे बंदे को फिनिश भी कर दिया, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है अभी भी बंदे खत्म नहीं हुए हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे लूट करी गाइस मैं तुरंत ही निकलता हूँ आगे की तरफ। लेकिन इतने में भाई मैं क्या देखने वाला हूँ कि यहाँ पे लगभग लगभग बंदे सारे मर चुके हैं, पर गाइस पता नहीं कैसे ये भाई साहब अभी भी यहाँ पे जीवित खड़े थे। जब यहाँ पे मैंने इस बंदे को ऑफलाइन वाले बंदे को भी भर दिया, और यहाँ पे जो है इस साइड तो कोई भी नहीं बचा है, पर गाइस अभी भी आगे तरह से हम जो फायरिंग हम चले आ रहे थे, तो यहाँ पे जो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज बंदे कहाँ होंगे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल मैंने फटाफट जो बूश करा और चलाया आगे की तरफ। अगर हमें रोड तो क्रॉस करनी ही, तो मैंने फटाफट जो यहाँ पे एक वॉल बनाई, और घातक ने पता नहीं ये क्या रोलर क्रस्टर बना दिया, तो जो भी यहाँ पे हमें हल्का फुल्का कवर मिला और फिर हमने तुरंत ही आगे तरफ पुश कर दिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि बंदा जो ना कि लेफ्ट में है बल्कि राइट में ही बैठा पड़ा है। भाई फिलहाल के इस बंदे के फुटस्टेप मेरे को आ चुके हैं, मैंने तुरंत ही पावर यूज करी और उसमें पुश कर दिया। और भाई सही में यार ये इफेक्ट के साथ साथ जो ही कॉन्फिडेंट आता है ना भैया, कसम से मजा आया था मारने में। फिलहाल यहाँ पे मैंने फटाफट जो है इस बंदे को भरा, इसकी लूट करी, और अगर यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलने वाला, तो फटाफट जो लूट करके हम निकल लिए फिर से और बंदों की तलाश में, और यार घूमते घामते आ पहुंचे रोजॉक की तरफ। लेकिन फिलहाल जैसे यहाँ से गुजरता हूँ भाई साहब मेरे को ऊपर रिज पे यहाँ पे एक ग्लिच में बंदा दिख चुका है जो टावर में बैठा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बंदा स्पॉट हुआ है। पर भाई साहब यहाँ पे पूरी पूरी स्क्वाड होने वाली है, और तुम यहाँ पे देखो हम ट्रिक यूज करके क्या ही मारेंगे स्क्वाड को। अपने सामने को अपने
खुद ही बता दी। तो भाई ये चीज ना फोर्थ टाइम में ज्यादा काम नहीं करती है। अरे अबे तो अपना बर्फ वाला चालू कर ले, इसको फाड़ते हो जाएगी। और भाई सही में इसके पास दो दो कवर थे, एक तो ये शील्ड और ऊपर से मेरी बनाई हुई वॉल भी। फिलहाल गाइस यहाँ पे स्क्वाड को तो भर दिया, लेकिन इतने में गाइस मेरी जो है स्टोरेज जो है भैया बहुत ही लिमिटेड है, मैं सही बता रहा हूँ। इसके चलते यहाँ पे आगे रिकॉर्डिंग जो है पॉज रहती है, बाकी इसके में मर जाते हैं वो भी दिक्कत वाली बात है, लेकिन फिर भी 19 किल मेरे ऑलरेडी हो चुके थे, उसके बाद मरते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे ये गेम प्ले तो इतना ही था, बाकी यार अब आते हैं अपने दूसरे गेम प्ले की, जिसमें गाइस चिकन डिनर हुआ भी बहुत खतरनाक तरीके से। फिलहाल उसमें कूदते गाइस हम मिलिट्री बेस, और यहाँ पे बहुत गंदी दवाई होने वाली है। फिलहाल तुम बंदे देख लो कितने सारे कूद रहे यहाँ पे भी, तो भी मरने वाने से पहले देखने वाली बात तो ये हुई आखिर गन कैसे मिलेगी। फिलहाल जैसे कूदा भाई, किस्मत इतनी अच्छी कि वेक्टर मिल जाती है, मैं तुरंत ही नीचे की तरफ जंप करता हूँ, और एक बंदा जो भैया हमारी बिल्डिंग में ही दाखिल हो चुका है, और सबसे पहले भरेंगे हम इसे। अब फिलहाल जैसे इस तरफ आया वेस्ट भी मिल चुकी है, और जैसे यहाँ पे आया भैया एक्सीडेंट, मतलब सोने पे सुहागा, और अगले ही पल भाई साहब ये एक किल मिल गया। फिलहाल गाइस घातक ने तो तुरंत ही फिनिश कर दिया। अब यार यहाँ पे ये हमारी बिल्डिंग में एक ही बंदा आया था, बाकी भैया यहाँ से सब अगल बगल वाली बिल्डिंग में रफू चक्कर हो चुके, तो यहाँ पे हम फटाफट जो लूट वूट करते हैं। और इतने में जो घातक कॉल था उसकी लेफ्ट वाली बॉल पे कोई बंदा है, और जो ही गाइस अब टावर में जा चुका है। अगर पहले तो मैं एक पल को इसे बॉट मान रहा था, लेकिन भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये रियल प्लेयर था। फिलहाल जो भी गाइस यहाँ पे हमने फटाफट से भर दिया, और यहाँ से कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ इतना वेक्टर की हमें मिल चुकी है, तो जो भी गाइस यहाँ पे हम आगे पुश कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे लूट करके गाइस हम चल पड़ते अगली वाली बिल्डिंग पुश करने के लिए। और जैसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ भाई साहब, पहले एक बंदा ना गाइस टावर से लगा पड़ा यहाँ से, मतलब टैप टैप फायर करने में, तो उसे मैंने देखा, लेकिन यहाँ से कोई एंगल नहीं बना था। इतनी देर में गाइस हल्के हल्के फुट साउंड की एक बंदा जो अपनी बिल्डिंग में है, मैं जैसे ऊपर आता हूँ भाई साहब, अगर इस नकली ग्लेशियर की बस यही खराबी है कि हाँ मारो चाहे मत मारो भाई वाइट इफेक्ट निकलता है। फिलहाल जो ये फाइनली ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्यों था मुझे नहीं पता, पर जो भी गई यहाँ पे हमने से भर दिया, और यहाँ से इसकी एक ही उठा ली बस, उसमें 27 है, पर जो भी गई यहाँ पे उनसे काम चलाएंगे। फिलहाल गई गरीबी में आटा किला वाला हिसाब किताब है, लेकिन जो भी गई यहाँ से मैंने फटाफट लूट उठाई। अब बारी है अगली बिल्डिंग पुश करने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करा पहले तो, कि बंदा पता चले आखिर यहाँ पे बैठा तो नहीं, चलो हम निकले और हम पे धप्पा करते, पर ऐसा बिल्कुल जब समझ में आ गया कि कोई नहीं है यहाँ पे, तो हमने जो आगे बढ़े, और जैसे यहाँ पे आता हूँ भाई साहब एक बंदा जो गई से पीछे की तरफ कूद चुका है और आगे आगे बढ़ रहा है। वैसे वेक्टर कभी कभी तो बहुत ओपी चलती है, लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ सिर्फ कभी कभी, इस पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। फिलहाल गाइस यहाँ पे इनका एक टीममेट और है, जो कि गाइस आगे वाले कमरे में, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस कमरे में, लेकिन जो भी गाइस यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ, पर क्योंकि भाई कोई भी फुटस्टेप वो नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैंने एक नेट पिन खींची और लगा शायद इन्हीं कमरे में होगा, तो क्या पता मेरे पे रश करे, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। तो फाइनली गाइस यहाँ पे वो नहीं है, तो हमने फटाफट जो आगे पुश करा, अरे भाई सही में यार ये बंदा सही में बहुत ही गंदा धप्पा करने को बैठा था। फिलहाल जो भी हमने इस बंदे को भर दिया, और यहाँ से जो भैया अब वेक्टर का हम सफर जो खत्म करेंगे, बिकॉज मैंने बोला था ना कभी कभी वाली वो गन है, मैं पूरे टाइम उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिलहाल जो भी यहाँ पे मैंने डीपी उठाई और फटाफट हील पुपू करी, लेकिन अभी भी मुझे सकता भाई साहब कोई बंदा टावर पे पक्का बैठा ही होगा, और इतने में गाइस राइट साइड जाते हैं कुछ फोर्ट। अब ये तो मैजिक बॉट होता है, लेकिन अब तुम देखो भैया टावर वाले को, वो मेरे को स्पॉट हुआ, एंड ये देखो डीपी का स्प्रे, बंदा फिनिश। फिलहाल जो है यहाँ का सफाई लगभग हो चुका है, लेकिन अभी भी पीछे की ऑफिस वाली तरफ से गाइस कुछ एक दो शॉट हम पे आए थे, तो हमें जो एक बार चक्कर पीछे ला के आना ही पड़ेगा, क्योंकि यार हो सकता है एक आधी बंदे वहाँ पे हो, और या फिर हो सकता है पूरी स्क्वाड भी हो, तो हम कन्फर्म कर लेंगे। जैसे आगे आते हैं गाइस, ये एक बंदा और भाई साहब नॉक। फिलहाल गाइस नॉक हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका टीममेट भी कहीं आसपास होगा ही होगा, हमने फटाफट जो आगे तरफ पुश करा। और
पर यहाँ पे मैं दिवाली वाले बनाता रहता हूँ और घातक इस आखिरी बंदे को जो भर देता है। फिलहाल गाइस यहाँ का सफाया हो चुका है और निकल लिया हम फिर से गाड़ी लेके और बंदों की तलाश में। लेकिन गाइस बंदे इतनी स्पीड से मर रहे थे कि पूछो ही मत। और फाइनली गाइस हम आए यहाँ पे रोजा गिल पे, लेकिन कोई भी हमें नहीं मिला था। और फाइनली हमारे पास दो फ्लेयर गन, तो हमने जो यहाँ पे चलाई और हमें लगा क्या पता बचे कुछ बंदे हम पे रश करें। और गाइस हम यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने खतरनाक तरीके से वॉल बना ली फुल कवर। अब यहाँ पे मैं तो एकदम कवर बना रहा हूँ, लेकिन देखो घातक क्या हरकत करने वाला है भाई। देखो यहाँ पे मैंने तीसरी वॉल खड़ी करी और देखो मैं तीन जंगल से बिल्कुल कवर हो चुका हूँ। अब बंदे चाहकर भी या तो मतलब मुझे मार ही नहीं पाएंगे या फिर भैया हम ही पिल जाएंगे यहाँ पे फंस के। पर जब यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार था और ये देखो पता नहीं क्या हरकत कर यार, चारों तरफ से ब्लॉक नहीं करना था भाई, हमें भी तो निकलना होता है। तो फिलहाल जब यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार था फाइट लेने के लिए, लेकिन गाइस हमारा ड्रॉप आएगा सब कुछ आएगा। दो दो फ्लेयर तो समझ रहे हो मतलब हम होते कुत्तों की तरह टूट पड़ते, लेकिन भाई साहब हम पे कोई भी टूटने आया। तो यार फाइनली जो हम भी थकार के यहाँ से निकल लिए इंतजार करते करते बंदों को। और जैसे निकलते भाई साहब राइट साइड में देखी मेरे को गाड़ी आती हुई। अब यार ये बंदे को तुम अकेला मत समझना, बिकॉज इसका जो टीममेट है वो लगा पड़ा है पीछे से कवर फायर देने में। ये देखो ये उसका एक ऑम का शॉट। अरे बार बार एंगल चेंज करके मार रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है उसका ऑम जो है चिपक जाए मेरे पे, तो भैया हम जो यहाँ पे निपट सकते हैं। पर जो गाइस घातक नहीं वहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया उसी ऑम वाले को, तो हमने फटाफट जो गाइस हील करके उसकी तरफ पुश करा। अब यार मुझे लगा शायद उसका टीममेट जो यहाँ पे उसे रिवाइव दे देगा, लेकिन भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं था, जबकि उसके टीममेट जो है गाइस बगल वाली बिल्डिंग में ही होते। अब टीममेट को रिवाइव नहीं दिया, दगाबाजी करिए तो भैया यहाँ पे फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब हमको जैसे ही पता चला बगल वाली बिल्डिंग में ही बंदे, ये देखो उसने कर दी गलती बहुत बड़ी यहाँ पे फायर करके और हमें अपनी पोजीशन बखूबी बता दी है। तो यहाँ पे हमने फटाफट जो गने बने उठाई एमो एमो जो भी हम पे कमी था निकल लिया भैया इन बंदों पे पुश करने के लिए। और यहाँ पे तुम देखो हम इन पे क्या ही ओपनली और खतरनाक तरीके से पुश करने वाले हैं, मतलब सही में गाइस तुम भी देख के दंग रह जाओगे। और घातक तो भैया दंग रह गया था। और भाई सही में यहाँ पे तो क्या ही बचे। फिलहाल जब इस बंदे ने पूरा पूरा दिमाग लगा लिया था, पर जब गाइस यहाँ पे रह गया सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बंदा। और गाड़ी लेकर हम जैसे निकलते भाई देखो यहाँ पे ड्रॉप लूटने आए फुल मस्त तरीके से, लेकिन जैसे हम इसे पुश करने की कोशिश करते भाई साहब ये देखो ये यहाँ पे जंप करने लगता है। अब जो गाइस अब जंप कर रहा है तो मार तो नहीं सकते हैं, तो फिलहाल उसके पास तो थोड़ी बातचीत करी और वो कहता है भैया ऐसे मजा नहीं आएगा भैया पैन फाइट करते पैन फाइट करेंगे ब्रो पैन फाइट। अरे ऐसे नहीं यार मजा नहीं आएगा पैन फाइट करेंगे यार, इससे अच्छा तो को थोड़ा एंजॉय करके मारे मतलब। यार फाइनली यहाँ पे बातचीत खत्म हुई और यहाँ पे घातक और इनकी जो भैया पैन फाइट होती है और घातक ने ऑलरेडी एक शॉट कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो देखने वाली बात है कौन जीतेगा। फिलहाल घातक भैया मतलब प्लस पॉइंट में तो है और ये फाइनली हो चुका है एक और विनर विनर चिकन डिनर। तो भैया आपको गेम प्ले कैसा लगा वो जरूर बताना कमेंट करके, अगर अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करना प्यार दिखाओ। मैं मिलता हूँ कल फिर से, तो बाय गाइस लव यू ऑल शेटम सेव एंड गाइस की सपोर्ट।